हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम इस बेंच का मेकओवर करेंगे। देखिए, इस तरह से ये बेंच है, काफ़ी पुरानी सी ये बेंच है। देखिए इस तरह से इसकी हालत है, ये देखिए। वैसे काफ़ी मजबूत है, ये हार्डवुड की है। तो चलिए इसको हम अच्छे से मेकओवर करते हैं। तो कलर करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट इमर्शियल पेंट ले रहा हूँ, क्योंकि इस पे पहले से ब्लू कलर था, तो इसलिए मैं इस पे वही डार्क ब्लू कलर कर रहा हूँ। तो इस तरह से स्टेनर ब्लू कलर की स्टेनर को इसमें मिला के मैंने ये पेस्ट बना ली है, और इससे पूरी बेंच को मैं अच्छे से कलर कर लूँगा। मैं यहाँ पे इस तरह का कॉटन कपड़ा ले रहा हूँ ब्लू कलर का, जिसके ऊपर वाइट प्रिंट बनी हुई है। क्योंकि बेंच को मैंने ब्लू कलर किया है, तो ब्लू कलर का कपड़ा मैं ले रहा हूँ। अब बेंच को अच्छे से हम मेज़रमेंट ले लेंगे, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ हमें अच्छे से मेज़र कर लेनी है। इसकी लेंथ के हिसाब से हमें कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कपड़े को अच्छे से कट कर लिया है। ये देखिए, बेंच के ऊपर ये कपड़ा अच्छे से फिट हो रहा है। तो अब हम कपड़े को उल्टा रख देंगे और उसके ऊपर बेंच को इस तरह से उल्टा रख देंगे। अब इसके एंड पार्ट को हमें इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेना है, और इस तरह से बेंच के ऊपर रख के यहाँ पे हमें स्टेपलर की हेल्प से इसे स्टेपल कर लेना है। ये स्टेपलर मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया है, आपने मेरे अमेज़ोन हॉल में देखा होगा, काफ़ी यूज़फुल है ये। तो कपड़े को अच्छी तरह से इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको स्टेपल कर लेना है। पूरी बॉर्डर को हमें इस तरह से स्टेपल कर लेनी है। ये देखिए, अच्छे से स्टेपल हो चुकी है। इसके कॉर्नर को मैंने इस तरह से, ये देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने दबा दिया है। इसके दूसरे एंड पार्ट पे भी मैंने कपड़े को यहाँ पे अंदर की तरफ इस तरह से दबा लिया है। अब कपड़े की साइड पे हमें इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के अंदर की तरफ मोड़ लेना है, जिस तरह से हम गिफ्ट पैकिंग करते हैं। तो इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ के हमें इसके ऊपर भी स्टेपलर लगा लेनी है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे एंड पार्ट को भी अंदर की तरफ मोड़ लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर भी हम स्टेपलर लगा लेंगे। अब इसका सेंटर का जो पार्ट है, उसको हमें इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से रख के यहाँ पे भी हमें स्टेपलर लगा लेनी है। ये देखिए, ये अच्छे से कवर हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से हमें दूसरी एंड को भी इसी तरह से स्टेपल करना है, जिससे हमारा ये जो कवर है वो अच्छे से लग जाएगा। ये देखिए, अच्छे से ये कपड़ा लग चुका है। अब यहाँ नीचे के पार्ट पे, यहाँ पे ये जो लकड़ी है, उसके ऊपर भी मैं कपड़ा लगाऊंगा, ताकि ये और अच्छा लगे। तो इसका मेज़रमेंट लेके इसकी लेंथ के हिसाब से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। इस कपड़े को यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह से, और पीछे की तरफ हम इसको भी स्टेपलर से स्टेपल कर लेंगे। तो उसके लिए बेंच को हमें उल्टा कर लेना है और कपड़े को इस तरह से हमें रखना है। तो दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के कपड़े को थोड़ा फोल्ड करके हमें स्टेपलर लगा लेनी है। ये देखिए, अच्छे से कवर हो चुका है।
देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखने से लग नहीं रहा कि ये काफ़ी पुरानी सी एक बेंच थी, बिल्कुल नई हो गई है। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने स्टेपल कर लिया है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने कपड़े को लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे वाइट वुलन ले रहा हूँ। इस वाइट वुलन के थ्रेड को हमें लेके हमारी जो चार उंगलियाँ हैं उसके ऊपर इसको लपेटना है इस तरह से। 20 से लेके 25 तक हमें इस तरह से इसको लपेट लेना है। फिर इसको कट करके उसके ऊपर के पार्ट पे हमें एक अच्छी सी नोट लगा लेनी है और इसको हमें नीचे से काट लेना है, जिससे कि एक प्यारा सा टैसल हमारा रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने वाइट और ब्लू जो हमारा कपड़े का कलर है उसी कलर के मैंने यहाँ पे बहुत सारे टैसल बना लिए हैं। और ग्लू गन की हेल्प से मैं इस टैसल को बेंच के जो फ्रंट पार्ट है उस पर मैं इस तरह से नीचे की तरफ से इसको स्टिक कर रहा हूँ। तो ग्लू गन की हेल्प से एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, इस तरह से मैं यहाँ पे टैसल लगा रहा हूँ। तो ये देखिए बेंच हमारी रेडी हो चुकी है, सारे टैसल भी लग चुके हैं। इसके साइड पे भी मैंने टैसल लगा लिए है। ये देखिए, सिर्फ पीछे की तरफ मैंने टैसल नहीं लगाए क्योंकि वो दिखने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने पीछे की तरफ नहीं लगाए, बाकी दोनों साइड पे और इसके फ्रंट पार्ट पे भी मैंने ये टैसल लगा लिए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक और ये चेयर थी, काफ़ी पुरानी थी, देखिए इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो इस तरह की एक पुरानी सी चेयर पड़ी हुई थी, तो सोचा कि इसको भी मेकओवर कर देते हैं। तो ये देखिए, जो कपड़ा बचा हुआ था उसी कपड़े से मैंने इसको भी स्टेपल कर लिया है, पूरी नई चेयर बन गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि मेकओवर आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।